हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे डिस्प्ले की रेजोल्यूशंस 4K 5K 8K आपने रेजोल्यूशन के बारे में सुना होगा, पिक्सल डॉट और डिस्प्ले के जो साइज़ होते हैं डिफरेंट साइज 11 13 14 15 17 24 इंच भी मानते हैं, 32 इंच होगी, आगे से आगे जो बड़े से बड़े साइज, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें कई बार कन्फ्यूज़न होती है जब भी हम कोई या फिर लैपटॉप कंप्यूटर लेना होता है हमें, या घर के लिए कोई टीवी वगैरह लेना होता है, तो हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि उसमें रेजोल्यूशंस क्या हो, साइज़ क्या रहता है। तो कोशिश करेंगे आपका इसमें जो भी डाउट रहते हैं हम उसको क्लियर करने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी दो तीन पिक्स मैंने बताई हैं इसके अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल अरुण कुमार, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डिस्प्ले के बारे में एवरीथिंग। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन होती है वो होती क्या है, इसका क्या मीनिंग है, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो गाइस, जैसे भी हम देखते हैं कि कई बार हम कोई मूवी देख रहे होते हैं या कोई पिक्चर देख रहे होते हैं, कई बार हमें वो अच्छी क्वालिटी की दिखती है, कई बार वो बिल्कुल फेड सी दिखती है, तो यही रेजोल्यूशन होती है। क्यों, कितना क्लियर दिख रहा है, कितना हमें भद्दा दिख रहा है, एक टाइप से उसको बोल सकते हैं हम रेजोल्यूशन होती है। ये बनती किससे है, रेजोल्यूशन बनती है नंबर ऑफ पिक्सल। पिक्सल का मतलब हम शॉर्ट में देख सकते हैं डॉट्स, जैसे एक डॉट होते हैं, जैसे पेन से हमने डॉट लगा दिए, इस टाइप के डॉट, तो ये रेजोल्यूशन होती है पिक्सल। पिक्सल मीन डॉट्स, जितने ज़्यादा आप स्पीक में देख सकते हैं, जितने कम डॉट्स हैं उतनी हमें जो इमेज है उसके अंदर वो फटी हुई दिखाई देगी, और जितने ज़्यादा उसमें डॉट्स होंगे, पिक्सल होंगे, उतने ज़्यादा हमें जो स्क्रीन होती है, रेजोल्यूशन होती है, उतनी अच्छी दिखाई देती है। तो गाइस, जो पिक्सल होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये जो डॉट्स होते हैं बनाते हैं मिलकर के इमेज बनाते हैं, जैसे भी हमको इमेज वीडियो को भी हम टेक्स्ट लिखते हैं ABCD, तो ये सब पिक्सल के ऊपर बनते हैं, जो पिक्सल बने होते हैं स्क्रीन के अंदर उसमें हमें ये दिखाई देते हैं। जैसे हमारा ये फ़ोन है तो भी इसमें भी पिक्सल हैं इसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर, इसकी डिस्प्ले में कितने ज़्यादा पिक्सल हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी रेजोल्यूशन मिलती है। तो जो जैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जो ए नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ये है हाइट, और जो बी नंबर पे हम इसको ले लेते हैं विड्थ। तो जो डिस्प्ले होता है कोई भी, उसकी जो रेजोल्यूशन होती है उसको हम देखो किस में देखते हैं, विड्थ इंटू हाइट्स में लेते हैं, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। अब यहाँ आपके सामने 4.5K मतलब अलग अलग उसके रेजोल्यूशंस हैं, उसमें अलग अलग इसमें पिक्सल होते हैं, क्वालिटी अलग अलग होती हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरे कंप्यूटर की डिस्प्ले, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम सर्च बार में रेजोल्यूशन सर्च करते हैं विंडो 10 11 में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले रेजोल्यूशन आ गई है। तो जो भी रेजोल्यूशन ये देखो रिकमेंडेड है, जो इसमें रिकमेंड है, अगर हम यहाँ पर कम रेजोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं तो हमें जो सिस्टम पर हम काम करते हैं वो सारा फेड फेड दिखाई देगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा। और दूसरे वर्ड्स में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक में, इसमें लो रेजोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि कैसा हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर 5 dpi है, dpi मैंने डॉट पर इंच, 10 डॉट पर इंच, 20 72 300, जैसे जैसे ये बढ़ते रहेंगे उतनी उतनी रेजोल्यूशन सही होती रहती है। तो dpi ppi दोनों सेम ही होते हैं, डॉट पर इंच, पिक्सल पर इंच। ये जब भी हम कोई फ़ोन वगैरह लेते हैं तो उसमें स्क्रीन में ये मेंशन भी होता है कि कितने dpi की है, ppi की है ये। तो जितना ज़्यादा हम उसमें ले सकते हैं उतना हमें फ़ायदा होता है, उतना अच्छा रेजोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक देख सकते हैं स्पीक में 2K 4K 8K एक्सेट्रा, तो 2K में हमें देखो कैसे दिखाई देता है, K का मीनिंग यहाँ पर होता है 1000, 2000 के अराउंड, 4000 के अराउंड पिक्सल, 8000 के अराउंड पिक्सल हम देख सकते हैं इनमें डिफरेंस वाइज। अब बात करेंगे हम यहाँ पर साइज़ ऑफ स्क्रीन, तो हम जान लेते हैं साइज़ ऑफ स्क्रीन के बारे में। तो स्क्रीन के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं, आप देख सकते हैं हमारा ये फ़ोन है इसका अलग साइज़ होगा, जो हम कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं लैपटॉप होते हैं लैपटॉप के भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में होता है। 14 साइज़ का लैपटॉप होता है, 14 उसको बोल सकते हैं, 14 इंच उसकी जो स्क्रीन होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर 4:1 ये है रेशो, रेशो में भी रेजोल्यूशंस को हम जैसे होता है उसको रेशो में भी मान लेते हैं कि उसका रेशो क्या रहेगा, जैसे 4:3 की रेशो में ये सामने है 16:9 का होता है, ये रेजोल्यूशन कौन सी होती है, जो भी हम यूट्यूब पे अगर कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसकी ये डिफ़ॉल्ट रेशो होती है, इस रेशो में पिक्सल पर नीचे हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 16:9 में रेजोल्यूशन सेम होगी, अलग अलग उसमें हो सकती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ST का स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, फुल हाई डेफिनेशन, क्वाड हाई डेफिनेशन, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में जैसे 4K वगैरह ये हमें देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं इसमें 4K में अल्ट्रा, 2K में है क्वाड, फुल HD में जैसे ये हमें मिलता है। तो आजकल जो भी स्क्रीन्स वगैरह आती हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, या हमें उसमें मिलता है कि 4K है, 8K है, जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। आई होप कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिला होगा। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।